हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमृता। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे मोदक। आई नो अभी से बनाने का कोई ऐसा स्पेसिफिक मतलब गणेश चतुर्थी नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी मुझे खाने का मन कर रहा था तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है। उसे एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे और उसमें नमक और घी डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 कप मतलब चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने पानी भी उतना लिया है। हमें पानी और चावल के आटा की क्वांटिटी इक्वल रखनी है, मतलब आपने जितना कप आटा लिया है उतना ही कप आपको पानी भी लेना है। बॉईल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसमें चावल का आटा ऐड करेंगे और उसे धीरे धीरे मिक्स करके उसे ढक के रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। दस मिनट के बाद आप इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल के रखिए ताकि वो ठंडा हो जाए। तब तक हम हमारी मोदक के अंदर डलने वाली स्टफिंग बना लेंगे। तो यह इसके लिए हमें लगेगा फ्रेश कोकोनट और जैगरी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो सबसे पहले यहाँ पे घी डालेंगे और उसमें हम थोड़ा सा फ्रेश नारियल डालना है, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था फ्रेश, तो घर पे जो अवेलेबल था वही मैंने इस्तेमाल करा है। अब हम इसमें 1 कप ग्रेटेड कोकोनट और 1 कप जैगरी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 कप का आटा इस्तेमाल करके मोदक बना रहे हैं, तो उतने मोदक बनाने के लिए ये स्टफिंग इनफ रहेगी। तो जैगरी मतलब गुड़ जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम ऑफ करनी है और एंड में हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। ये टोटली आपकी चॉइस है, पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारी स्टफिंग का आप देख सकते हो कलर और कंसिस्टेंसी चेंज हो चुकी है, तो इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करके इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो ये स्टफिंग में आप अगली क्लिप में देखोगे, ये ऐसा ऑयल जो है वो कोकोनट का निकल रहा है, लेकिन वो ठंडा होने के बाद मतलब पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा कोकोनट, तो इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे अभी जो हमारा आटा है ठंडा हो चुका है, उसे अच्छे से नीड कर लेंगे हम। इसे अच्छे से नीड करना है ताकि अगर आप हाथ से भी मतलब मोल्ड नहीं है आपके पास, अगर आप हाथ से मोदक बना रहे तो भी उसमें क्रैक्स नहीं जाएंगे, इसलिए हमें इसे अच्छे से नीड करना है। इसे एक बार ऐसे नीड करने के बाद फिर हम हाथ को थोड़ा सा घी लगा लेंगे और फिर एक बार अच्छे से नीड कर लेंगे। और मोदक बना के आप जिस भी जगह पे मतलब प्लेट में ट्रे में रखने वाले हो उस जगह को भी ऑयल से मतलब ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लो, नहीं तो मोदक नीचे स्टिक हो जाएंगे। तो मैं इसी मतलब जहाँ जिस चॉपिंग बोर्ड पे मैं आटा गूंद रही हूँ वही बनाने वाली हूँ, तो उसी को मैंने घी लगा के ग्रीस कर लिया था अच्छे से। अभी हम मोल्ड लेंगे और एक एक मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। वीडियो में मैंने जिस तरह से दिखाया है उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप मोल्ड का इस्तेमाल करके मोदक बना सकते हो। यहाँ पे मैंने मोदक की फर्स्ट बैच रेडी कर ली है, अब हम उन्हें स्टीम कर लेंगे। तो स्टीमर मेरे पास नहीं है,
आपके पास होगा तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने नीचे एक पतीले में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था और ऊपर छन्नी रख दी थी और उस पर मोदक रख के उस पर ये लीड रख दिया। और इस तरह से हमें मोदक को 5 से 10 मिनट तक स्टीम होने के लिए रख देना है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए, तो हमारी मोदक की फर्स्ट बैच रेडी है। तो अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और ऊपर मस्त से घी डाल के हम इसे सर्व कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बने थे ये मोदक, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही मतलब इजी प्रोसेस है और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।